और ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स का वीडियो नंबर 10 है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कि है वीडियो रिकॉर्डिंग हम पावर पॉइंट की मदद से कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे स्क्रीन होता है, हमें कई बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे मैं आप जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसकी स्क्रीन मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और मेरी जो मैक्सिमम स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से ही मैं करता हूँ। लेकिन इस वीडियो में चूंकि मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रिकॉर्डिंग आपको करके दिखाना है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहा हूँ। तो इसमें करना क्या होता है, आपको सिंपली क्या जाना है, इंसर्ट पे जाना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे जाएंगे, ये बाकी चीजें हम यहाँ पे सीख चुके हैं, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जा करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देता है कि कौन सी तो जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिलेक्शन का ऑप्शन बताता है। आप यहाँ पे स्क्रीन में चाहे तो ऑडियो है वो डालना चाहे तो यहाँ पे ऑडियो टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑडियो रिकॉर्ड ना हो तो यहाँ पे आप ऑडियो को डिजेबल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि माउस जो है इसका आइकन जो पॉइंटर है वो आपके वीडियो में दिखे तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माउस में जो है वो रिकॉर्डिंग ना दिखे माउस का, तो यहाँ पे आप इसको डिजेबल कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। अब आती है बात स्क्रीन सिलेक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रीन सिलेक्शन पे जाना है। स्क्रीन सिलेक्शन पे आप जैसे ही जाते हैं तो आप अपने हिसाब से जितना पार्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पर्टिकुलर इतना ही पार्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दबाऊंगा तो यहाँ पे ये वीडियो है रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये वीडियो है वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है कि 5 सेकंड 6 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप किसी कारण से रिकॉर्डिंग पॉज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर के पॉज बटन दबा देंगे तो ये रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे पॉज हो गई है। जैसे आप वापस ये रेड बटन है उसको क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग वापस से रिज्यूम हो जाती है और ये वहां से शुरू हो जाता है। अगर आपको किसी भी टाइम पे रिकॉर्डिंग को बंद करना हो तो आप यहाँ पे जो स्टॉप बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग आपकी है वो स्टॉप हो जाएगी। देखिए मैं इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे जाकर के स्टॉप करता हूँ, तो जैसे ही मैं स्टॉप करता हूँ ये रिकॉर्डिंग हमारा है वो स्टॉप हो गया है। और आप देखिए ये एक अलग से मेरा जो है वीडियो यहाँ पे बन के आ गया है। इसको आप कंट्रोल एक्स करके कहीं भी ले जा सकते हैं, कंट्रोल एक्स करके यहाँ ले आए। और अगर आप इसको चाहते हैं अपने पीसी पे कहीं भी सेव करना तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव एज मीडिया में जाकर के इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेव एज मीडिया करेंगे ये आपको पूछ लेगा कंप्यूटर पे कहाँ आपको सेव करना है। इसको आप ट्रिम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पे आपको ट्रिम का ऑप्शन आता है। आप चाहते हैं कि कुछ पार्ट आगे पीछे से आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, और आप बैक साइड से भी ट्रिम करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक साइड से भी इसको ट्रिम किया जा सकता है। बहुत ही आसान फीचर है ये, काफी लोगों को नहीं पता होती है। और बहुत से महंगे सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोग बाय करते हैं जिसमें वाटरमार्क और ये सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन अगर आपने ठीक से पावर पॉइंट सीखा है तो पावर पॉइंट बहुत ही पावरफुल फीचर है। ये फीचर शायद आप में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, और जो जानते होंगे वो इसको यूज नहीं कर पा रहे होंगे ठीक से। अब देखिए इसको और भी अच्छे तरीके से करना है, आप इसको स्टाइल में जाकर के अलग अलग टाइप से इसको दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप इसको अपनी स्क्रीन पे डालना चाहते हैं, अपने पावर पॉइंट पे डालना चाहते हैं, तो आप इसकी अलग अलग डिजाइन है वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएगा, और ये आप अपने हिसाब से इसकी फ्रेम है वो बना सकते हैं। जितनी ब्यूटीफुल फ्रेम बनाना चाहते हैं उतनी ब्यूटीफुल फ्रेम बना सकते हैं। आप देखिए अभी कितना ब्यूटीफुल फ्रेम यहाँ पे बन गया है। इसको स्क्रीन को छोटा बड़ा जैसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ से जितना बड़ा छोटा आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे वीडियो आपका प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये वीडियो है वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है कि 5 सेकंड। तो ये छह देखिए सेकंड का हमने वीडियो जो रिकॉर्ड वीडियो हो प्ले चुका किया है। था वो अब रिकॉर्डिंग आप हो किसी गया कारण है। से रिकॉर्डिंग पॉज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर करेंगे रिकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से ये रिकॉर्डिंग हो गया है। इसका आप अलग टाइप से कलर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसका कलरिंग और ये सारा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब हम इसको वीडियो को डालते हैं अपने पावर पॉइंट में तो वो अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है भद्दा लगने लग जाता है। उसको अच्छा बनाने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं, और ताकि हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से दिखे। तो दोस्तों ये था हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं बनाया था हमने। बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, इसको जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप और अच्छे से सीख पाएंगे इसको।
आशा करता हूं आपको ये फीचर देख के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें और आप और भी अच्छे से सीख सके। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कोडिंग गुरु। थैंक्स अलॉट।